लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आपकी तैयारी बहुत ज़रूर से जोर चल रही होगी दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं यूपी पी टोप्लिसी बी डी री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं जिसमें हमारी डेली क्लास आठ बजे आपको प्रोवाइड होती है जो हिंदी का हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर बारह है और हमारा जो टारगेट है वो फुल एनालिसिस के साथ पचास में से पचास परसेंट सही करने का हमारा टारगेट है सभी बच्चों को पता है कि यूपी पी टोप्लासी बी डी के न्यू वैकेंसी भी आ चुकी हैं और प्लस पुरानी वैकेंसी 2018 वाले बैच की जो थी वह 26 जून और 27 जून को उनका पेपर निर्धारित किया गया है तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत अहम हो सकता है प्लस साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी यह प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेसन और जो चैनल पर भाई पहली बार नए बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैलकन दबा दें जैसे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्योंकि हम आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं करा रहे हैं बिल्कुल फ्री और बिल्कुल मुफ्त और बहुत धुआंधार बहुत जानदार तरीके से करा रहे हैं ठीक है जो चैनल अभी भाई दोस्त टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एम एस पॉइंट के नाम से टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ से जुड़िए और वहाँ से बहुत सारी पी डी अपनी जो लिस्टिंग वाली पी डी से उठा लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए तो देखिए हम आज बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस पूरी लिस्टिंग पर ठीक है तो शुरू करते हैं हमारा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जैसे कि आपको दिखने में कोई दिक्कत है? ना आए ठीक है थोड़ी सी कोई दिक्कत है? ना है, इतना जूम कर लेते हैं ठीक है भाई चलिए तो हम पहला क्वेश्चन हमारा है कि अपने विद्यालय की कि किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता है तो हमारा पहला क्वेश्चन है शासकीय अर्धशासकीय व्यक् व्यक्तिक या व्यवसायिक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या होगा इसको जल्दी से जो है अपने अनुसार बना दीजिए देखिए आपको चुनना है ये आपको चुनना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ दो प्रकार के पत्र होते हैं एक तो होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक औपचारिक लोग यानी फॉर्मल और अनफॉर्मल यानी कि जो आपके फॉर्मल रहते हैं या मान लो औपचारिक रहते हैं अनौपचारिक रहते हैं तुम अपने परिवार के साथ कभी भी औपचारिक नहीं रहते जब स्कूल में जाते हो टीचर के सामने औपचारिक रहते हो जबकि आप अपने घर में रहते हो तो अनौपचारिक रहते हो अनौपचारिक का मतलब होता बनावटी दिखाना ठीक है यानी कि किसी पाबंदी में बने बंधे रहना तो अगर हम यहाँ बात करें तो एक व्यक्तिक पत्र जो होता है व्यक्तिक पत्र जो होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है और अपने मित्र को जो है हम खुलकर सारी बातें बता देते हैं जिसके चलते जो है वो हमारे क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं तो जिनसे हमारा निजी संबंध होता है उनको जो भेजे जाते हैं उनको पत्र भेजे जाते हैं अनौपचारिक पत्र और जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता हम उनको औपचारिक पत्र भेजते हैं जैसे कि हमारा कोई पुलिस स्टेशन में थाना अध्यक्ष है उनसे हमारे कोई निजी संबंध नहीं होते तो उनको जितने भी शिकायत पत्र होते हैं उनको हम औपचारिक पत्र भेजते हैं तो दोस्तों इस तरीके से औपचारिक अनौपचारिक आपको समझ में आ चुका होगा लगभग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है तो देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ठीक है कब से माना जाता है तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो देखिए ये हिंदी साहित्य के जो है चार काल होते हैं एक तो आपका आपका होता है आपका पहला होता है अगर हम बात करें तो आदिकाल दूसरा जो होता है वह होता है भक्ति काल तीसरा होता है रीतिकाल चौथा होता है आधुनिक काल तो अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन हो, हो जाता है सामान्यतः वो कौन सा हो जाएगा अठारह तो से माना जाता है ठीक है भाई अठारह आधुनिक काल को भी बांटा जाता है भारतेंदु युग द्वेदी युग छायावादी युग काल प्रगति काल और प्रगतिवादी युग तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है अभी ठीक है चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या है उनको देख लेते हैं क्या है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द कौन सा है यानी कि एक बचन शब्द कौन सा है तो यहाँ पर आपको देखना है दर्शन दर्शन पहला ऑप्शन है दूसरा है नदी तीसरा है घरों और चौथा है तालाब लताऊ तो यहाँ से आपको बताना है कि निम्न से कौन सा प्रश्न जो है यानी विकल्प जो है आपका एक वचन के रूप में है ठीक है तो जल्दी बताइए इसका क्या होगा आपने कर लिया होगा देखिए जिनके अंत में ई लगा होता है उनका अगर बहुवचन बनाते हैं तो या जुड़ जाता है जैसे नदी का नदियाँ ठीक है नदी का क्या हो जाएगा नदियाँ सखी का शखियाँ ठीक है नदी का नदियाँ सखी का सखियां तो अब यहाँ बात आती है दर्शन की अब ये क्या है दर्शन देखिए दर्शन जो होते हैं एक वचन के रूप में होते हैं जैसे दर्शन दाम प्राण आंसू ठीक है समझ लीजिए बात थोड़ा पानी पी लेते हैं ये दिखने में जो होते हैं वो एक वचन में होते हैं परंतु इनका प्रयोग जो किया जाता है सदा जो किया जाता है बहुवचन में किया था इनका भी वो कौन कौन से शब्द हैं घर सॉरी दर्शन है दाम है प्राण आँसू ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा सदा जो है वो बहुवचन प्रयोग करते हैं दर्शन भी ठीक है दाम भी प्रमाण भी सॉरी प्राण भी और आँशू भी अगर बात करें घरों का तो घरों का एक वचन होता है घर लताओं का एक वचन होता है लता ठीक है इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया है विकल्प आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ तालब्य कंठ तालब्य कौन सा कौन कौन होते हैं सॉरी कौन से होते हैं तो ऊ जो होते हैं औष्टि होते हैं र और स र और स दोनों मूर्धन्य होते हैं र भी और सह भी और ए और आ ए और आ ये कंठीय होते हैं जबकि ए ए ये क्या होते हैं हमारे यही हमारा आंसर है सी विकल्प यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि ए का निर्माण जो होता है ए का निर्माण जो होता है वो और ए और ई से होता है ए और ई से होता है और इसका जो होता है ए का बड़े का तो इसका होता है ए और छोटे ए से ठीक है तो अब मैं आपको बता दूं ए जो होता कंठी होता ई होता तालब्य इस तरीके से दोनों से मिलकर बना कंठ तालब्य बेटा इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ठीक है चार क्वेश्चन हो चुके हैं पाँचवा और छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या है पाँचवा छठा क्वेश्चन पाँच बार शुद्ध शब्द छांटिए शुद्ध शब्द छांटिए कृतज्ञ 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 और कृतज्ञ आपको पता है पूरी तरीके से कि कौन सा इसमें सही होगा तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जल्दी बताइए क्या आपका हो गया चलिए ये होगा आपका सी फिर शुद्ध वर्तनी फिर देखना है अतिशयोक्ति अतिशोक्ति अतिशोक्ति तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा आता है और ये आपको करना पड़ेगा तो छः का जो शुद्ध वर्तनी में आता है ये आता है मगर लिखा सबसे ज़्यादा ये जाता है परंतु तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बी बिगल बन जाएगा यहाँ से क्या बन जाएगा बी विगल हमारे, हमारे यहाँ से बन जाएगा चलिए सातवाँ और आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है सातवाँ और आठवाँ क्वेश्चन हमारा तथापि तथापि शब्द का संधि विच्छेद है तथापि शब्द का संधि विच्छेद है तो क्या संधि विच्छेद होगा देखिए ए विकल्प तथा प्लस के अपी तथा प्लस के पी तथा प्लस के अपी और कोई नहीं तो सातवां क्वेश्चन हमारा क्या होगा ये संधि कौन सी है ये दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा तो तथा प्लस के अपी कौन सा हो जाएगा तथा प्लस के अपी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ठीक है जी आठवां क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है तो ये उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है आपको सही तरीके से बताना है व्यंजन संधि का है किसका है व्यंजन संधि का है इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ठीक है भाई मतलब अब देखिए इसमें क्या है उज्ज्वल मैं आपको एक रूल बता देता हूँ जब तय वर्ग यानी कि तय त दै दे है दैत है न तय वर्ग के बाद में क्रमश है चै छः जय यानी तय वर्ग के बाद में चय वर्ग आ जाए तो तय वर्ग हमेशा जय में कन्वर्ट हो जाता है किसमें हो जाता सकार चय के वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर उत प्लस के ज्वल उत्त प्लस के ज्वल तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विकल्प ठीक है भाई नेक्स्ट में है यहाँ पर नवा और दसवा क्वेश्चन क्या है हमारा बैलगाड़ी शब्द में समास है बैलगाड़ी शब्द में समास है ठीक है जी तो अब देखिए इसमें कौन सा समास है तो क्या हो जाएगा द्वन समास दिगु समास कर्मधारय समास तत्पुरुष समास जल्दी बताओ इसमें कौन सा है तो हमारा इसका विग्रह क्या बनेगा बैल के लिए गाड़ी क्या हो जाएगा बैलगाड़ी बैल के लिए गाड़ी तो बैल के लिए के लिए जब आता है तो किसके लिए आता करण तत्पुरुष के लिए आता से या के लिए समझ गए नहीं तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा तत्पुरुष समास नेक्स्ट द्वंद समास में कौन सा पद प्रधान होता है तो पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान इनमें से कोई नहीं चुनिए अपना आंसर लगा दीजिए और हमारा यहाँ पर हो जाएगा दोनों पद प्रधान यानी कि जिनके विग्रह करते समय और या अथवा संयोजक शब्द लोप करने से बनते हैं जैसे अन्न जल तो अन्न और जल तो ऐसे में माता पिता माता और पिता तो वहाँ पर कौन सा समास होता है वो होता है द्वंद्व समान तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ से ठीक है भाई चलिए ग्यारहवा क्वेश्चन क्या है दुरुपयोग ग्यारहवा क्वेश्चन क्या है दुर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है तो दुर्दशा दुहाई दूरी दुर तो हमारा क्या आ जाएगा जल्दी बताओ तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है दुर प्लस के दशा तो ए विकल्प हमारा इज द राइट आंसर ठीक है तो हमने यहाँ से ग्यारह क्वेश्चन किए हैं तो देख लेते हैं बारह है, क्वेश्चन किधर है इधर अच्छा इस साइड से बारह और तेरहवा क्वेश्चन चलिए तो बारहवा बा क्वेश्चन और तेरहवा क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं क्या है ठीक है थोड़ा सा इसको जो है इतना कर लेते हैं जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना पड़े आपको बारहवा बा तेरहवा क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है यानी कि जिसमें उपतर उपसर्ग नहीं है तो देखिए क्या है अत्यधिक विदेश सुयोग सुरेश जल्दी बताइए इसमें कौन सा आपका रहेगा ठीक है तो जो संज्ञा शब्द होगा वही आपका आंसर होगा देखिए सुरेश जो है वो संज्ञा शब्द है ठीक है संज्ञा में मूल शब्द है जबकि अत्यधिक की अगर हम बात करें तो अत्यधिक में अति लगा हुआ है अति प्लस के अधिक तो ये भी हो गया विदेश में बी प्लस के देश लगा हुआ है ये भी हो गया सुयोग में सु प्लस के योग है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है भाई तेरहवा क्वेश्चन क्या है हमारा तेरहवा क्वेश्चन कृत प्रत्यय लगता है कृत प्रत्यय लगता है तो देखिए दो प्रत्यय होते हैं एक तो होता कृत रेखा तदित्त तो अगर मैं आपको बताऊँ तो कृत प्रत्यय जो लगता है इसमें पहला ऑप्शन है क्रिया के अंत में संज्ञा के अंत में सर्वनाम के अंत में विशेषण के अंत में तो चुन लिया हो UH होगा अपना आंसर यदि आप लोग चुनते हैं ए विकल्प तो वही आपका होता है सही आंसर तो देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो लगता है उसे कहते हैं क्रेदंत संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो लगता है उसे कहते हैं क्रेदंत जबकि क्रिया के अंत में जो लगता है उसे कहते हैं क्रत तो इस तरीके से हमारा यहाँ से बनेगा आंसर बिल्कुल बढ़िया ठीक है दोस्तों अब देखते हैं चौदहवा और पंद्रवा क्वेश्चन क्या है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो तत्सम शब्द क्या है मैंने आपको सीधी पहचान बताई जिसमें भी आधा वर्ण आ जाए वो तत्सम होता है जहाँ वायु रुक कर आ जाए वही तत्सम होता है जहाँ अनुसुर आ जाए वही तत्सम होता है तो पढ़ के देखो चारों विकल्पों को जब देखो क्या बनता है सबसे पहला विकल्प है आम्र दूध शहीद खिड़की तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा आम्र हो जाएगा क्या हो जाएगा आम्र तो इस तरीके से हमारा आंसर बना ए विकल्प किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप है किंचित किंचित का मतलब होता थोड़ा किंचित का मतलब क्या होता है वो होता है थोड़ा ठीक है भाई तो अब आप ये देखिए किंचित का मतलब थोड़ा होता है या कुछ होता है तो इसका तद्भव जो होता है वो होता है थोड़ा क्योंकि किंचित को जो कहते हैं वो कहते हैं कुछ और कुछ का जो होता है वो क्या होता है थोड़ा तो हमारे यहाँ से पंद्रहवें का आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा जल्दी बताइए तो यहाँ किंचित का तद्भव तत्सम शब्द का तद्भव अच्छा तो यहाँ पर सॉरी यहाँ थोड़ा ना करके कुछ कर दो क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दे रखा है ऑप्शन में ठीक है कुछ होता है जबकि थोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है इसका इस्तोक होता है क्या होता है इस तो क्या होता है भैया इस्तोक होता है क्लियर पंद्रह क्वेश्चन अभी तक समझ में आए हैं चलिए सोलहवा क्वेश्चन और सत्रहवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है चाक शब्द का तत्सम रूप है चाक शब्द का तत्सम रूप है जल्दी बताइए क्या होने वाला चकवा चाकू चक्र या चक तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है चक्र होता है इसका करेक्ट आंसर ठीक है भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होता है चक्र होता है ठीक है एक इसमें शब्द है चकवा ये भी एग्जाम में आ जाता है चकवा का जो होता है वो होता है चक चक्रवा क्या होता है चक्र बाक क्या होता है बेटा चक्रवाक होता है ठीक है क्या होता है चक्रवाक होता है ठीक है चलिए सत्रहवा क्वेश्चन है तद्भव शब्द है तद्भव शब्द है मानव मनई मनुष्य मानो जल्दी बता दो यहाँ पर क्या है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मनई जो शब्द है ये तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो होता मानव तो इसका तत्सम क्या हो, हो जाएगा मानव ये तत्सम हो जाएगा ठीक है मनुष्य का जो होता है वो होता मानुष मनुष्य का क्या होता है मानुष तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा मनई ठीक है अट्ठारहवा क्वेश्चन और उन्नीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए क्या है अट्ठारहवा और उन्नीसवा क्वेश्चन ठीक है भाई दोस्तों यह है जातिवाचक संज्ञा नहीं है फिलहाल में तो आपको विकल्प पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए जातिवाचक की डेफिनेशन क्या है तो मैं आपको बताता हूँ जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो पहले क्या है सैसब फिर लोहा फिर लकड़ी फिर पुस्तक तो आपको बताना जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो वह संज्ञा जो जाति का बोध न कराए वो जातिवाचक होती है नहीं होती है तो यहाँ पर हमारा आठवा यह क्या है सैसब सैसब जो होता है अट्ठारहवें में तो ये भी जो ये विकल्प है ये हमारा क्या है ये भाववाचक संज्ञा है जबकि लोहा जो है लोहा ये द्रव्यवाचक संज्ञा है अगर लकड़ी देखें लकड़ी ये भी द्रव्यवाचक संख्या है तो पुस्तक क्या बची हमारी पुस्तक क्या बची जातिवाचक बच गई सैसव जो होता है हमारा क्या होता है भाववाचक लोहा जो होता है द्रव्यवाचक लकड़ी जो होती है ये भी द्रव्यवाचक और पुस्तक जो है वह आपकी जातिवाचक होती है ठीक है नेक्स्ट बड़े बड़ाई ना करें बड़ो ना बड़ो न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल तो रहीम द्वारा लिखी पंक्तियाँ बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इस बड़े शब्द का इस बड़े का ठीक है जी जल्दी बता दो इसका क्या है ठीक है इसका क्या आंसर होने वाला है तो ऑप्शन विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तो हमारा 19 का जो आंसर बनेगा वो जल्दी बताइए बड़े बड़ाई ना करें यानी बड़े लोग बढ़ाई ना करें तो बड़े का मतलब होता है यहाँ पर बड़े मतलब जो लोग अमीर हैं तो उनकी बात हम कह रहे हैं संज्ञा है, है। तो यहाँ बड़े शब्द जो है संज्ञा है ठीक है बीस और इक्कीसवा क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं क्या है वह बह बहुत अच्छा लड़का है हमें कौन सा सर्वनाम है वह बहुत अच्छा लड़का है तो कौन सा सर्वनाम है इसमें निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक संबंधवाचक निजवाचक तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक ठीक है भाई हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा निश्चयवाचक हो जाएगा तो यहाँ पर वह बह बहुत अच्छा लड़का है इसमें क्या हो जाएगा निजवाचक सर वाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ से हमारा ठीक है इक्कीसवा क्वेश्चन जो है हमारा इक्कीसवा क्वेश्चन देख लेंगे इक्कीसवा क्वेश्चन क्या है हमारा ठीक है भाई इक्कीसवा क्वेश्चन क्या है उसको सबसे पहले ध्यान देंगे मतलब क्या है इसमें कबीर कल बहुत सुंदर दिखा दिख रहा था तो सुंदर शब्द क्या है तो सुंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम कारण कारक श्रीकारक विशेषण तो आपने भी लगा दिया होगा इसका सही आंसर ठीक है तो क्या है आपका विशेषण और कौन सा विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण है कैसा विशेषण है गुणवाचक चलिए इक्कीस क्वेश्चन हो चुके हैं बाईसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या है बाईसवां क्वेश्चन और तेईसवा क्वेश्चन बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया है वाक्य में क्रिया है संयुक्त क्रिया सहायक क्रिया अकर्मक क्रिया सहकर्मक क्रिया जल्दी बता दो इसका सही आंसर क्या बनने वाला है जल्दी बता दो इसका सही आंसर क्या बनने वाला है फुर्ती के साथ बता दो बिल्कुल फुर्ती के साथ क्या है बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या है सैकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया है शैकर्मक क्रिया अगर अंडरलाइन करी होती रहा है तो फिर वो होती सहायक क्रिया तो यहाँ पर क्या है शैकर्मक क्रिया है क्योंकि क्या पढ़ रहा पुस्तक की संभावना है यहाँ पर तो सैकर्मिक कहते हैं जहाँ कर्म हो या उसकी संभावना दर्शाई गई हो ठीक है निम्नलिखित में से अव्यय है वर्तमान नया तथा सुंदर तो आपका आंसर मिल गया होगा देखिए वर्तमान जो है वर्तमान ये होता है विशेषण नया जो होता है ये भी होता है विशेषण सुंदर जो होता है ये भी होता है विशेषण तो यहाँ पर जल्दी बता दो यहाँ क्या होगा तो तथा जो हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा कैसा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय ठीक है थीके? क्रिया विशेषण अभ्य संबंध बोधक अभ्य है समुच्च बोधक अभ्य और आपका विष्मादि बोधक अभ्य चार प्रकार के अव्यय होते हैं उन्हीं में से कौन सा है ये ये आपका समुच्च बोधक अभ्य जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है चौबीसवा और पच्चीसवा क्वेश्चन क्या है अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि उपसर्ग अन्वय या अव्यय जल्दी बता दो क्या है ठीक है जल्दी बता दो यहाँ पर क्या है ये तो इसमें जो होता है आपका अथवा जो होता है वो या के लिए प्रयोग किया जाता है तो या जो होता है वो हमारा किसके लिए प्रयोग होता है तो देखिए ये होता है समान अधिकरण समु ये समुच्चय बोधक होता है तो पहले क्या होता है समुच्चय बोधक अब समुच्चय बोधक अब भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं आपके समानाधिकरण और एक होते हैं व्याधिकरण तो समानाधिकरण के चार होते हैं समानाधिकरण के कितने होते हैं चार उपभेद होते हैं एक तो होता है संयोजक संयोजक में क्या होता है और व एवं और ध्यान से समझते रहे ना और व एवं तथा खै दूसरा जो होता है विभाजक या वा अथवा तो ये किसमें है विभाजक में है किसमें है विभाजक विभाजकमय कौन सा विभाजक में जो विभाजन करने के लिए प्रयोग किया था फिर एक होता आपका नए कि नहीं तो फिर एक होता विरोधावास पर परंतु किंतु लेकिन मगर वरण बल्कि एक होता परिमाण दर्शक जो परिमाण दर्शक था इसलिए सो अत अतए तो इसमें हमारा जो है वो कौन सा है ये ये विभाजक के रूप में प्रयोग किया गया है समुच्चय बोधक अव्यय और समुच्च बोधक में कौन सा समान अधिकरण सारी डिटेल आपको ओपन करके रख दी यहाँ पर अब किताब को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अमृत का पर्यावाचिक निम्न से कौन सा है अमृत का पर्यावचिक निम्न से कौन सा आपको बताना है अनंत त्रिदस अंशु पीयूष तो जल्दी बता दो अमृत का क्या होता है अमृत का क्या होता है पीयूष होता है अमृत का क्या होता है पीयूष होता है क्लियर चलिए अब अमृत का पीयूष होता है तो और लिखो तीन सुधा सोम अम्य सुधा सोम अम्य बेटे लिख लो अब इसको सुधा सोम अमीय अब अनंत का जो होता है इसका भी लिखो आप अनंत का भी लिखो क्या होता है आकाश नभ गगन अंबर व्योम अनंत का क्या होता है आकाश नव गगन अंबर व्योम तिरदस का लिखो तिरदस देव देवता सुर अमात्य क्या है देव सुर देवता अमात्य हो गया यहाँ तक ठीक है अंशु का लिखो क्या है अंशु अंशु जो होता है किरण को कहते हैं तो रश्मि मिर्ची भी होता है इसका क्या होता है मिर्ची तो इस तरीके से आपने जो है बिल्कुल सबके आंसर जो है सटीक तरीके से लगा दिए अब छब्बीस और सत्ताईस में और देखो कि आप कितने अच्छे से जवाब दे पा रहे हो कौन सा शब्द चतुर का पर्यावाचक है चतुर का पर्यावाचिक है बेटा तो ये भी बहुत अच्छा है चतुर का पर्यावाचिक जो होता है वो सयाना होता है क्या होता है सयाना मतलब क्या होता है सयाना और इसमें क्या होता है प्रवीण भी होता है इसका नागर भी होता है कुशल होता है दक्ष होता पटु होता है तो इनमें से कौन सा है नागर है ठीक है नागर है अगर हम यहाँ बात करें कंचन तो कंचन जो होता है वो सोने का होता है किसका होता है कंचन सोने का ठीक है वयस्य किसका होता है मित्र का वैस्य जो होता है किसका होता है मित्र का पमार जो होता है खल का होता पमात्र जो होता खल मतलब चोर का ठीक है भाई क्लियर सत्ताईसवें क्वेश्चन जो है मोस्ट है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है बिग विशेषण बहुज अग्ञ जल्दी बताओ क्या है इसका तो इसका क्या हो जाएगा बहुअग्ञ हो जाएगा बहु ठीक है भाई बिग का अब अग् होता है बिग का क्या होता है अग् होता है ठीक है अरे बात समय विशेषण के लिए उपयुक्त विलोम नहीं होता कोई भी ये बात अपने माइंड में रख लेना ठीक है क्लियर यहाँ से सत्ताईस क्वेश्चन हो चुके हैं अट्ठाईस और उनतीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है प्रेवर का विलोम है प्रेवर का विलोम है तो प्रेवर का विलोम जो होता है वो क्या होता है अवर होता है प्रेवर का क्या होता है अवर अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताता हूँ एक तो लिखो प्रशस्त प्रशस्त का विलोम क्या होता है महत्वपूर्ण है बिल्कुल प्रशस्त का लिखो ए अप्रशस्त ठीक है फिर देखो आरंभिक का आरंभिक का क्या होता है अंतिम ठीक है बेटा एक लिखो आग्रह का आग्रह का अनाग्रह भी, भी होता है और विग्रह भी होता है अनाग्रह भी होता है और विग्रह भी होता है आकर्षण का लिखो विलोम विकर्षण आकर्षण का विलोम बेटा क्या लिखोगे विकर्षण लिखोगे ठीक है इस तरीके से ये हमारे सारे हो चुके हैं प्रशस्त का अप्रशस्त आरंभिक का अंतिम आग्रह का अनाग्रह विग्रह आकर्षण का विकर्षण ठीक है उनतीसवां क्वेश्चन देखेंगे क्या है रामायण और महाभारत का समय हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है नए हैं मतलब यहाँ पर क्या अतीत अभिभूत अभिनीत काली कालातीत तो यहाँ आपको बताना क्या है तो कालातीत का मतलब होता है बहुत पुराना यानी बहुत पुराना का मतलब है आपका बहुत समय तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कालातीत ठीक है भैया उनतीस हो चुके हैं बेटा सारी चीज़ें बहुत मोस्ट हैं आपके लिए तो तीस और इकतीस और देखेंगे देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए ठीक है समृद्ध उद्धत उद्धत उद्ध या प्रबद्ध ठीक है जल्दी बताओ इसमें क्या बनने वाला है। तो क्या रहना चाहिए उद्धत उद्धत का मतलब क्या होता तैयार रहना क्या होता इसे भी लिख लो तैयार रहना उद्धत का मतलब क्या होता तैयार रहना ठीक है भाई अब बता दो कि इतना मज़ा आ रहा नहीं आ रहा आपको सेशन में फुल एनालिसिस चल रहा फुल एनालिसिस ठीक है अब देखो इकतीसवा पृथ्वी गिरोहो तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित बताइए क्या है पृथ्वी ग्रह तारे आदि को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं क्या कहते हैं अंतरिक्ष उसे क्या कहते हैं अंतरिक्ष होता है ठीक है चलिए ये हम पिछले वाक्य में करा चुके हैं कि वन में लगने वाली आग क्या होती है वन में लगने वाली आग क्या होती है तो क्या होता है इसमें जल्दी बताइए इसका वन में लगने वाली आग क्या होती है दवाग्नी क्या होती है दवाग्नी जंगल में लगने वाली जो होती है वो क्या होती है बड़वाग्नी जंगल में लगने वाली कौन सी होती है बड़वाग्नी ये जंगल की होती है ये वन की होती है दवाग्नी ठीक है बिराग्नी जठगनी जठगनी जो होती है पेड़ में पेट में लगने वाली जो होती है जठगनी होती है ठीक है भाई ठीक है पेट पेट मतलब पेट में लगने वाली जो अग्नि होती है वो क्या होती है अग्नि ठीक है क्लियर इतना यहाँ से बहुत अच्छे तरीके तैयार कर लेना ठीक है अब देखिए क्या है बत्तीस तो हो चुके हैं तैंतीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा तैंतीसवा क्वेश्चन क्या है ठीक है पहले तैंतीसवा को देखते हैं क्या है इसमें तैंतीसवां क्वेश्चन आडंबर बहुत किंतु वास्तविक कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है तो आँख का अंधा नाम नैन सुख ऊँची दुकान पी के भगवान पकवान ऊँट के मुँह में जीरा खोदा पहाड़ निकली जुई जल्दी बताओ तो इसका सही सतीक आंसर क्या होगा तो इसमें कह सकते हैं ऊंची दुकान पी के भगवान यानी कि बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे हैं और कुछ है नहीं पल्ले में ठीक है चौंतीसवां क्वेश्चन और पैंतीसवां क्वेश्चन हम यहाँ देख लेंगे ठीक है बेटा चौंतीस और पैंतीसवा दोनों देखेंगे चौतीसवां क्वेश्चन है दूध का दूध और पानी का पानी, का पानी करना मुहावरे में उचित निर्णय करना पक्षपातपूर्ण निर्णय करना मिलजुल कर रहना दूध इंस्पेक्टर होना तो यहाँ पर उचित निर्णय करना क्या हो जाएगा उचित निर्णय करना पैंतीस होगा आँख का आंधा नाम नैन सुख लोक लोकती है सही से चुनिए तो गुण के अनुरूप नाम होना गुण के विरुद्ध नाम होना मूर्ख होना मूर्खों से पढ़ा लिखा तो क्या है गुण के अनुरूप नाम होना गुण के अनुरूप नाम होना या गुण के विरुद्ध नाम होना जल्दी बताओ इसमें अच्छा यहाँ पर है आँख का अंधा नाम नैन सुख तो यहाँ पर सॉरी ये मैं पढ़ने में गलती हो गई तो हमारे यहाँ का आँख के गुण के विरुद्ध नाम रखना तो हमारा ये है ठीक है ये जो है हमारा ये आपका ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना ठीक है भाई कई बार मिस्टेक हो जाती है गलती से हो जाती है ठीक है आप इस चीज़ को ज़्यादा टेंथ मत टेंथ मत करे करो इस चीज़ को लेकर देखिए पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए वाक्य में क्या है सरल वाक्य इच्छावाचक वाक्य मिश्र वाक्य आज्ञावाचक वाक्य जल्दी बता दो इसका क्या है जिसमें देखो जिसमें की का के आ जाते हैं तो वो हमारे होते हैं मिश्र वाक्य ठीक है वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं इसे ऐसी पहचानो शुद्ध वाक्य क्या है मेरी पाँच बहनें और एक भाई हैं मेरी पांच बहनें और एक भाई है मेरा एक भाई और पांच बहनें हैं तो यहाँ मेरे मेरी एक भाई तो यहाँ पर कौन सा सटे सटीक हो जाएगा जल्दी बताओ मेरा एक भाई और पांच बहनें है क्योंकि क्रमानुसार चलता है यहाँ तो यहाँ हमारा सही कौन सा हो जाएगा सी विकल्प ठीक है क्रम के अनुसार चलता है तो सैंतीस क्वेश्चन हो चुके हैं चलिए अड़तीसवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है अड़तीसवा क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं अड़तीसवा और उनतालीसवा दोनों देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन है अभी मैं खाता हूँ कर्म बाच्य रूप है मैं खाता हूँ कर्म बाच्य रूप है मुझसे खाया जाता था मेरे से खाया जाता है मुझसे खाया नहीं जाता मुझसे खाया जाता है जल्दी बता दो ऐसे में क्वेश्चन में आप तो मुझसे खाया जाता मुझसे खाया जाता है क्या है मुझसे खाया जाता है इसमें तो इसमें आपका हो जाएगा मुझसे खाया मुझसे खाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प ठीक है बह मुझसे अलग रहता है अलग रहने का मतलब होता है अपादान अलग रहने से मतलब क्या होता है अपादान होता है जब भी कोई अलग अलग होने को आता रही और से भी आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपादान ठीक है चलिए चालीसवा क्वेश्चन इकतालीसवा क्वेश्चन दोनों देखेंगे क्या है ये सप्ताह में सात दिन होते हैं वाक्य में दिन शब्द है पुरलिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग कुछ भी नहीं जल्दी बताओ क्या है तो देखिए इसमें दिन जो है वो पुरलिंग शब्द है क्या ऐसा है पुरलिंग शब्द मैं आपको एक और बता दूँ रत्नों के नाम महीनों के नाम दिनों के नाम तारों के नाम ग्रहों के नाम धातुओं के नाम पेड़ों के नाम बर्तनों पर्वतों के नाम सागरों के नाम देवों देशों के नाम अनाज द्रव आदियों के नाम जो है? होते हैं पुरलिंग होते हैं दोबारा लिखो रत्नों के नाम महीनों के नाम दिन तारों के नाम गृह धातुओं के नाम पेड़ों के नाम पर्वतों के नाम सागरों के नाम देशों के नाम अनाजों के नाम द्रवों के नाम सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं बेटा इकतालीस स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बताइए स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बताइए तो क्या हो जाएगा स्त्री का स्त्रियाँ हो जाएगा तो हमारा आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प ठीक है इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन करे हैं ठीक है बयालीसवा क्वेश्चन और तैंतालीसवा क्वेश्चन दोनों देखेंगे क्या है सीता सो रही थी वाक्य में काल है सो रही थी सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल जल्दी बता दो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आ जाएगा अपूर्ण भूतकाल क्योंकि अभी सोए रही थी ना कंटिन्यू था काम तो पूरा हुआ नहीं था ठीक है नेक्स्ट है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है तो यहाँ पर वाक्य में रेखा के साथ बहुत क्या गुणवाचक संख्यावाचक परिमाणबोधक सर्वनाम तो यहाँ पर बहुत जो होता है दूध के परिमाण को बता रहा है तो क्या आ जाएगा आपका परिमाण बोधक करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा ठीक है भाई दोस्तों चवालीसवां क्वेश्चन और पैंतालीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है चवालीस पैंतालीस क्वेश्चन शुद्ध वाक्य है अनु अनसुया एनक संकट सैंस तो यहाँ पर शुद्ध बताना है क्या है तो शुद्ध सु, क्या है ये आपको अशुद्ध बताना है ठीक अनसुना भी सही होता है एनक भी सही होता है सैंस से भी सही होता है तो ये हमारा जो है गलत है ठीक है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है पैंतालीसवा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाली प्राकृत संस्कृत अभ्रंश तो हिंदी को विकास देने वाली बताइए यहाँ पर तो देखिए मैं आपको बताता हूँ भारतीय आर्य भाषा का इतिहास जो होता है पाँच से पाँच सौ एक हज़ार पाँच सौ ईस्वी से एक हज़ार ईस्वी तक होता मध्यकाल का जिसमें जिसे अभ्रंथ कहा जाता, किसे कहा जाता? है किसे कहाता है अभ्रंथ ठीक है भाई तो अभ्रंथ के अंतर्गत जो आता हिंदी आती है बंगला आती है गुजराती आती है मराठी आती है उड़िया आती है और, और उर्दू आती है ये सब अभ्रंथ हम आते हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया अभ्य्रंथ अगर होता हिंदी भाषा की जननी तो संस्कृत होता है यहाँ पर ठीक है ऐसे भी कर सकते थे ठीक है भैया छियालीस और सैंतालीस दोनों क्वेश्चन करेंगे क्या है सोरसैनी अभ्रंथ के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है गुजराती हिंदी राजस्थानी गुजराती सिंधी राजस्थानी पश्चिमी हिंदी तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो सिंधी हो जाएगा क्यों क्योंकि सिंधी जो है अपभ्रंथ की ब्राचण ब... में से आता है यानी उसमें से आता है विराचल से आता है ठीक है भाई किससे आता है ब्राचड़ से छः भेद होते हैं सोर सैनी के अपभ्रंथ के एक तो होता मागधी एक होता अर्धमाघ्धी एक होता सोर सैनी एक होता विराचड़ एक होता खसर एक होता महाराष्ट्री तो ये ब्राचर में आता है ठीक है भाई तो यह फ्रेश ब्लड का उचित शाब्दिक अर्थ है ताज़ा खून स्वच्छ खून नया खून साफ़ खून तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नए युवा नए युवा यानी नए युवा का मतलब नया खून तो नया खून आपका यहाँ हो गया सी विकल्प तो सैतालीसवें का हो चुका है सी अड़तालीसवें क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया है हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना तो अवर ड्यूटी अवर ड्यूटी ठीक है पहले में अवर ड्यूटी इज द सर्व सर्व ओ आवर कंट्री सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी आवर फोर मोस्ट यानी फोर मोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री ठीक है इज टू सर्व द कंट्री फिर आ गया है ठीक है सर्विंग तो हमारा सी विकल्प हो जाएगा सर्व यानी कि यहाँ पर क्या होता है सर्वोपरि कर्तव्य का होता है वो होता है हमारी फोर मोस्ट ड्यूटी सर्वोपरि कर्तव्य को हम क्या कहते हैं फोर मोस्ट ड्यूटी कहते हैं ठीक है, है भैया तो यहाँ से उठा सकते हैं हम इस विकल्प को ठीक है और कर्तव्य कर सेवा करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सर्व ठीक है क्योंकि सर्विंग जो होता तो कंटिन्यू से पहुँच जाता तो यहाँ पर क्या सर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं सही उनचास और पचासवा क्वेश्चन जो है इसे देख लीजिए एकल का विलोम है एकल का विलोम है तो एकल का विलोम होता है बहुल ठीक है गजबदन ये भी अच्छा है गजबदन का पर्यावाचिक है तो गजबदन का पर्यावाचिक है वो क्या क्या होते हैं पहले उस चीज़ को देखो तो गर्भदन का होता है विनायक होता है गणपति होता है गणेश होता है गोरीसूत होता है तो गोरीसूत भी कह सकते हैं विनायक भी कहते हैं गणपति भी कहते हैं गणेश भी कहते हैं तो इनमें कौन सा मिला गणपति इस तरीके से जो है हमने 50 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस है नंबर बार है एनालिसिस किया है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ जाकर इन सभी की प्रैक्टिस लगाइए और देखिए आपका स्कोर कितना आता है निश्चित ही आप जो है वीडियो में पचास में पचास नंबर कर कर आओगे ठीक है पूरी तरीके से स्कोर आपका हेल्पफुल होगा यही मेरिट में आपको लेकर आएगी हिंदी ठीक है दोस्तों तो ऐसी क्लास को देखने के लिए अभी हमने सात बजे जो है क्लास एक डाली है जिसका नाम है हमारा यानी कि ग्रैंड इस्लामी यानी टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है उन्हें हम ट्रिक माध्यम से बताया तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा चैनल पर जाइए और वहाँ जाकर जो है उस वीडियो को भी देखिए नोट्स बनाइए ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नए पर जय पर जय भारत बंदे मातरम